हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जी, उनका मूड इस वक्त कैसा है, वो आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं। सुबह की एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत हारे हुए व्यक्ति महसूस हो रहे थे, बहुत थका हुआ, हारा हुआ, रो रहे थे, तो अभी की एनर्जी में क्या परिवर्तन हुआ है, क्या वो आगे बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इनकी एनर्जी में क्या कुछ बदलाव आया है। चलिए पहले उनका मैसेज देखती हूँ। आपका जो मैसेज आ रहा है वो आपके पार्टनर की तरफ से है, जो उनका सोल, उनका माइंड, उनका स्पिरिट आपसे कह रहा है, ठीक है। तो पहले उनका मैसेज देखती हूँ, फिर एक्शन देखती हूँ। प्लीज गाइड करे, डिवाइन गाइड करे, और दिव्य शक्ति गाइड करे, राधा रानी गाइड करे, कृष्ण गोविंद गाइड करे। गिव मी अ चांस, यू आर माय सोलमेट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी तो मॉर्निंग में भी थी, आई मिस यू। कर्मा फेस कर रहे हैं व्यूवर्स, मैंने बोला सुबह के वीडियो आपने देखा हो तो देख लेना, आपके पार्टनर कैसे कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, स्लीपलेस नाइट, सो नहीं पा रहे हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग। शायद उन्हें लग रहा है कि अगर वो बात नहीं कर रहे हैं तो आप भी उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हो, वो पैम्पर नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अब आप भी उन्हें इग्नोर करने लगे हो। गुड न्यूज, क्या बात है, गुड न्यूज मिलने वाला है डियर जी। आई वॉन्ट यू एंड आई नीड यू, उन्हें जरूरत हो रही है व्यूअर्स, ठीक है, आपकी जरूरत महसूस हो रही है। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अगर इन्होंने, देखिए इनके मन में जो सुबह की वीडियो में इनको याद आ रहा था, रोना आ रहा था कुछ बात को लेकर, देखिए ऐसा नहीं है, इन्होंने भी आपको हर्ट किया है, ठीक है, पेन दिया है, किसी प्रकार से आपके साथ भी इन्होंने कुछ गलत व्यवहार किया हो, तो इस पर्सन को अब कर्मा फेस करना पड़ रहा है, जहां इनको आपकी जरूरत हो रही है। अगर इन्होंने किसी प्रकार से आपको, किसी तरह से आपका दिल दुखाया है, तो ये पर्सन को ये एहसास हो रहा है, और ये आपका, आप ख्याल रखना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, और ये पर्सन कहना चाहते हैं कि आप अपना ध्यान रखो, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि आपसे ही ये खुद को पूरा कर सकते हैं, यानी कि यू कंप्लीट मी। रियूनियन होने वाली है, देखिए रियूनियन बहुत जल्द होगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह बेचैनी है, जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कर्मा फेस कर रहे हैं, इस पर्सन के अंदर जो एक एनर्जी है, वो जो आपकी कमी है, इनको पता है कि जब तक आपसे वो मिलेंगे नहीं, खुलकर इजहार नहीं कर पाएंगे, शायद वो इनर पीस इन्हें नहीं मिलने वाली, ठीक है। देखिए यहाँ पे सच में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की वाइब्स आ रही है आप लोग में, ठीक है, ये कहना चाहते हैं मैं खुश नहीं हूं। हो सकता है डियर आप लोग में काफी डिस्टेंस हो चुका है, ठीक है, अब ये डिस्टेंस को कम करना चाह रहे हैं। देखा जाए तो आप दोनों एक दूसरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ रियूनियन की टेलीपैथी कुछ तो ऐसा आप फील कर रहे हो, और या फिर कुछ अपने ऊपर फोकस कर रहे हो डियर, तब इस पर्सन के अंदर अवेकनिंग हो रही है, ये वापस आना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है, क्या है, पता नहीं क्या था। देखिए इन्होंने, देखो आपको कह रहे हैं प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो, प्रेशर है, बर्डन है आपके ऊपर, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि शायद आप परेशान हो रहे हो, ठीक है, इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि उन्होंने आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, ठीक है, शायद उन्होंने आपके साथ किए हुए वादों को नहीं निभाया है, तो इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है डियर कि शायद आप बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो, ठीक है, ऐसा उन्हें लग रहा है, तो ये कह रहे हैं कि उन पर आप विश्वास कीजिए, ये अपने वादों को जरूर निभाएंगे, लेकिन
इस वक्त इनके मन में जो चल रहा है कि आप अपना ध्यान दो। ये कह रहे हैं मैं सो नहीं पा रहा हूं, ठीक है, ये खुश नहीं है। व्यूअर्स, आपके पार्टनर खुश बिल्कुल नहीं है, आपसे कहना चाहते हैं, कहा ना इनकम्प्लीट है आपके बगैर, यू आर माई लाइफ, आप उनकी जिंदगी हो, यू आर द सोर्सेस ऑफ योर ऑफ माई हैप्पीनेस। अब देख सकते हो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह की एनर्जी सुबह की आई है ना डियर, इनको अब पूरा अनुभव हो रहा है। देखिए इसलिए ना कि इस वक्त अवेकनिंग चल रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहा है, चाहे वो गिल्ट हो, पछतावा हो, या आपकी कमी महसूस हो, या आप उनके लिए कितना मायने रखते हो, ये कहीं ना कहीं इनके अंदर से एक आवाज निकल रही है, ठीक है। और इनका माइंड, इनका सोल आपको ढूंढ रहा है। ये भी कह रहे हैं कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यानी कि कहीं ना कहीं आप अच्छे से काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो। इन्हें भी ऐसा लगता है कि आपको काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो आपको इनको आपका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। नो नथिंगनेस, कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत अधूरापन, बहुत अकेलापन, सिंगल हो, मैरिड हो, जो भी हो डियर, बहुत ये पर्सन खुश दिखाई नहीं दे रहे हैं। इनका माइंड, इनका सोल आपको ढूंढ रहा है, गलतियों को भी ढूंढ रहा है, और ये कहना चाहता है कि आप उन पर विश्वास कर लीजिए, ठीक है। जो भी एक अधूरापन है, आपसे मिलकर खुद को पूरा करना चाहते हैं। और जितना इनके अंदर एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, सो नहीं पा रहा, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, पछतावा, गिल्ट बहुत है। और ये क्या हो रही, वजह क्या आ रही है इसमें, दूरियां, डिस्टेंस, इसको ये कम करना चाहते हैं हर हाल में। और इस वजह से इस पर्सन को नींद भी नहीं आ रही है। ओवर थिंकिंग, देखिए ओवर थिंकिंग आ गई, मैंने क्या बोला, स्लीपलेस नाइट्स, ये सो नहीं पा रहे, ओवर थिंकिंग इनको अब लग रहा है डियर, बहुत बड़ी बात, अब इनको लग रहा है कि इन्होंने क्या किया है और आपके साथ क्यों इन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं किया। हो सकता है कुछ वर्ड, कुछ शब्द, या मैनिपुलेट, या अशब्द, या फाइटिंग, या झगड़े, या कोई और इन्वॉल्व है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पार्टनर सच में कर्मा तो फेस कर रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग चल रही है, ये प्रोसेस है डियर आपसे जुड़ने का, ठीक है। आपकी कमी महसूस करना, आपको ढूंढना, कभी गुस्सा, कभी एंजाइटी, कभी ओवर थिंकिंग, कभी लॉसेस, ये क्यों हो रहा है, हर इंसान के साथ ये क्यों नहीं होता है, आपके पार्टनर के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि वजह हो सिर्फ तुम जीने की, समझ गए आप। आज इनको पता चल रहा है डियर कि जीने की वजह सिर्फ तुम हो मेरी सोलमेट, ठीक है। और देखिए, गिव मी अ चांस, मौका चाहिए उन्हें, और यू आर माई एंजल, क्योंकि इन्हें आपने बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो प्यार से किया हो, पैम्पर किया हो, चाहे वो आप फाइनेंस से, जैसे भी, मेंटली, फिजिकली या फाइनेंशियली, आपने जिस तरह से इन्हें सपोर्ट किया, पैम्पर किया, शायद ही कोई किया हो डियर। और इस डिस्टेंस को ये कम करना चाहते हैं, खुद को कंप्लीट करना चाहते हैं, और आपसे मिलना चाहते हैं। आप उनकी जिंदगी हो, उनके लाइफ की जो खुशियां हैं आपसे जुड़ी हुई है, नहीं तो आपके बगैर कुछ भी नहीं है। ये वापस आना चाह रहे हैं डियर, ठीक है, ये वापस आना चाह रहे हैं। रिग्रेट, गिल्ट, रोना, ओवर थिंकिंग, अपसेट, स्ट्रेस लेना, मेंटल स्ट्रेस बहुत है डियर, बहुत ही ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है। अब इनकी कमी को सिर्फ और सिर्फ आप पूरा कर सकते हो। चाहते हैं एक्शन लेना, एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो यहाँ बहुत व्यूअर्स, हो सकता है कि आपके पार्टनर को अब तक ऐसा आपको फील हो रहा था कि उन्होंने आपके साथ धोखा और चीट किया है, तो ये कर्मा फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोलमेट या ट्विन जर्नी में आप लोग हो सकते हो, ये एनर्जी निकल कर आई है डियर, ठीक है। आप यू आर माई लाइफ, मेरी जिंदगी, आप उन्हें मौका दे, समझे, जाने, ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं। पछतावे की एनर्जी बहुत है, रिग्रेट की एनर्जी बहुत है, गुड न्यूज मिलने वाला है। चलिए, जिनके कर्मा क्लियर हो रहे हैं उनके पार्टनर आपके तरफ आ भी रहे हैं डियर, ठीक है। आपके पार्टनर जिनके कर्मा रिलीज हो रहे हैं, प्रोसेस चल रहा है डियर, तो आपके पार्टनर के अंदर काफी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और जो भी हो, ये डिस्टेंस को ये कम करना चाहते हैं, और आपके बगैर तो ये खुद को कंप्लीट महसूस कर नहीं रहे हैं, और उनके लाइफ की खुशियां आपसे जुड़ी है। आप अपना ध्यान रखें, आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं।
शायद उनका सोल, आपका सोल कहीं ना कहीं है, तो एक ही इंसान, इंसान अलग हो सकते, सोल तो एक ही है, तो कहीं ना कहीं एक आवाज से निकल रही है डियर उनके अंदर से, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर। बहुत व्यूअर्स, आप लोग का सोलमेट यानी कि आप लोग का स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक अधूरापन बहुत है जो आपसे मिलकर ही खुद को ये पूरा करेंगे, आपसे पर्सन आपको कहना चाहते हैं। तो रीयूनियन के चांसेस दिखाई दे रहे हैं डियर, आगे देखती हूँ एक्शन इनका आ रहे हैं, द फुल की एनर्जी है। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी आप लोग को कि इनको थर्ड पार्टी से पेन मिल रहा है, ठीक है, लॉसेस से गुजर रहे हैं इस वक्त, काफी आपके तरफ ऑफर करने की सोच रहे हैं। थोड़ा देखिए इनके अंदर भी थोड़ा एक लेजीनेस है, इनकी हीलिंग चल रही है और कहीं ना कहीं इनको अफसोस भी है, रिग्रेट भी है, आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ, क्वीन ऑफ कप्स है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्स, द फूल, टेम्परेंस, तो इनकी हीलिंग चल रही है, ठीक है, सॉरी फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे माफी भी मांगना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त आपके पर्सन के अंदर पेन है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी है, लॉसेस से रिलेटेड भी है, फाइनेंस से रिलेटेड भी है, कोई थर्ड पार्टी इनके लाइफ में है, कुछ ब्लॉकेज भी है, कुछ कर्मा भी है, और इस वक्त अपने ट्रू लव को फील कर रहे हैं और ये खुद को हील करना चाहते हैं और माफी भी मांगना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कुछ व्यूअर्स, आपके पार्टनर बहुत एक अंदर से लेजीनेस वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब वो तो आलस हो चुका है लाइफ में, लेकिन ये आपके तरफ अब बढ़ना चाहते हैं। द फुल की एनर्जी आई है, रियूनियन आ गया डियर, ठीक है, आपके पार्टनर अब आप लोग की रियूनियन हो रही है, कर्मा हो सकता है, किसी का कर्मा रिलीज हो रहा हो और आप लोग की रियूनियन होने वाली है, क्योंकि आपके बगैर ये इनकम्प्लीट है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। और चलिए आगे और देखती हूँ, द लवर्स आया, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई, जस्ट देखिए थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस चाह रहे हैं, थ्री ऑफ सोर्ड्स के नीचे आई, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है डियर, ठीक है, और फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, जस्ट फाइव ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग हमेशा विश्वास रखें, विश्वास की जर्नी है, भगवान का नाम भी विश्वासी है, ठीक है, तो फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया, जस्ट कुछ देखिए डियर, कुछ के लिए वेटिंग एनर्जी है, ठीक है ना, या फिर आप दोनों मैरिड हो सकते हो, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हो, ठीक है, या फिर आपके पर्सन हो सकता है मैरिज से रिलेटेड ये डिसीजन तो लेना चाहते हैं, लेकिन ये कहना चाहते हैं थोड़ा सा अपना ध्यान रखो और मुझे तुम्हारी सपोर्ट सिस्टम की जरूरत है, ये आपसे मैरिज भी करेंगे, अगर आप दोनों मैरिड हो तो ये हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है, तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मुझे बढ़ना होगा, मुझे बात करना होगा, क्योंकि जितना ये लॉसेस से गुजर रहे हैं इस वक्त उन्हें आपकी कमी महसूस हो रही है और इस वक्त आपकी सपोर्ट की भी जरूरत उन्हें हो रही है, लेकिन अगर आपकी मैरिज इनसे नहीं हुई है तो ये कह रहे हैं थोड़ा वेट करो, ठीक है, वो आपसे मैरिज भी करेंगे, क्योंकि इनको अपने गलतियों पर भी काम करना है, कुछ कर्मा भी रिलीज करना है, कुछ लॉसेस है, कुछ थर्ड पार्टी है, उन्हें भी रिलीज करना है, इस वक्त चाहते हैं आपसे मिलना, बात करना और क्लियरिटी लाना, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। देखिए कोई फीमेल की वजह से आपके पार्टनर दुखी हैं, ठीक है, ये बहुत स्ट्रांग है, जो भी है आपके पार्टनर के लाइफ में, जो भी फीमेल है आपके पार्टनर के लाइफ में, वो बहुत मैनिपुलेटिंग है, जिस वजह से आपके पार्टनर लॉसेस से गुजर रहे हैं, ये कोई भी हो सकता है डियर, देख लीजिए उनके लाइफ में कौन फीमेल है जो आपके पार्टनर को मैनिपुलेट कर रहा है, जहां आपके पार्टनर के ऊपर दबाव डालना, प्रेशर डालना, मैनिपुलेट करना, ठीक है, अपनी पावर को दिखाना, तो ये कोई भी हो सकती है आपके पार्टनर के लाइफ में, जो कि मैनिपुलेटिंग एनर्जी है, जिस वजह से ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इन्हें दूर जाना होगा इनसे, ठीक है, इनसे दुनिया बना रहे हैं और ये दुखी भी हैं और इनके साथ अच्छा से स्वभाव इनका मैच नहीं करा दिया, मतलब कि इस लेडी से आपके पार्टनर की नहीं बन रही, उनसे इनका नेचर स्टबन वाला हो गया, गुस्से वाला हो गया है और ये भी जिद वाली एनर्जी, मतलब इनसे इनकी नहीं बन रही है और ये इन्हें छोड़कर ये पर्सन कहीं निकलना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहते हैं और ये आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं डियर, लेकिन जो भी वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर उससे दूर जाना चाहते हैं, उनकी उनसे नहीं बन रही है, ठीक है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये आपके लिए लॉयल है, ये कहना चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं और आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं। देखिए आपके पर्सन आपके साथ फैमिली भी देख रहे हैं, आप देख सकते हो,
आपके पर्सन, आपके साथ फैमिली भी देख रहे हैं, अगर आपकी पहले से फैमिली, तो अपनी फैमिली को याद कर रहे हैं, उस मोमेंट को याद करें कि किसी और के लिए आपका इन्होंने दिल तोड़ा, किसी की बात में इन्होंने कहीं ना कहीं आकर आपके साथ गलत किया है, तो इनको एहसास हो रहा। अगर आपके पार्टनर आपको, आपसे मैरिज अब तक नहीं कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस वक्त मैं तुम्हारे प्यार में पागल जरूर हूं, तुम्हें याद जरूर कर रहा हूं, ऑफर जरूर करना चाहता हूं, पैशनेट, रोमांस सब कुछ है, लेकिन लॉयलिटी की एनर्जी भी, लेकिन थोड़ा मैरिज को लेकर ये डिसीजन थोड़ा आपको थोड़ा टाइम ले सकते हैं डियर, क्योंकि यहाँ थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, थोड़ा आपको वेट करना पड़ सकता है कि आपसे ये मैरिज भी करेंगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए डियर, आपके पार्टनर के अंदर प्यार होता है, जो कर्मा फेस करते हैं उस वक्त इंसान इस तरह टूट जाता है ना कि आप गिनती भी नहीं कर सकते हो कि किस तरह से परेशानियां आती है, किस तरह से टावर मूवमेंट आता है, कितने ऑब्स्टिकल आते हैं, सहना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपसे मिलना चाह रहे, आगे बढ़ रहे हैं, और आपके साथ अगर मैरिज की बात की जाए तो ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो तो किसी की वजह से अपनी फैमिली को उन्होंने रिश्ता तोड़ा, आपका दिल दुखाया है, तो इस पर्सन को ये विश्वास हो रहा है उस लेडी के चलते अब अपना फैमिली को तो छोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, ये कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी उनसे नहीं बन रही और इमोशंस हाई बहुत है और ये विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है डियर। आपके पार्टनर आ रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, 11-11 की एनर्जी, हर हाल में इस थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपकी तरफ मिलना चाह रहे हैं, ऑफर भी करना चाह रहे हैं, और आपके पार्टनर आपकी तरफ आ भी रहे हैं, ठीक है, रो रहे हैं लेकिन आपसे ये मिलना भी चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्पाइक कर रहे हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि थर्ड पार्टी जो भी है वहां से ये निकलना चाह रहे हैं। इस वक्त अपनी हीलिंग कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हैं, कहने का मतलब इमोशंस हाई है और भी इस फुलफिलमेंट की एनर्जी है कि आपके साथ ही फ्यूचर में आगे बढ़े और आपके साथ ही ये रियूनियन भी करें और फैमिली भी, फ्यूचर भी सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ जैसे भी है डियर, इस वक्त वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा पैशनेट एनर्जी भी है, रियूनियन के साइन भी दिखाई दे रहे हैं, बस ये चाह रहे हैं किसी तरह से सब कुछ सही हो जाए और सारी परेशानियां, सारे लॉसेस हील हो जाए और आप दोनों में एक बैलेंस आ जाए, ठीक है। तो बहुत व्यूअर्स, आपके पार्टनर कर्मा तो फेस कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए काफी सोच रहे, चेंजेस आ रहे और आपसे मौका भी मांग रहे, लेकिन बहुत व्यूअर्स अब आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकलना भी चाहते हैं और आपकी तरफ मिलना भी चाहते हैं। तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी है, रियूनियन होने वाली है, ये तो दिखाई दे रहा है, द फूल की एनर्जी आ गई। और यहाँ पे डियर मैं इस कार्ड से भी ले लेती हूँ क्लियरिटी, रियूनियन के साइन तो दिख रहे हैं डियर, ठीक है। 4-6 नंबर इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक है, 4 नंबर और 6 नंबर इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, रियूनियन तो होने वाली है लेकिन उनका एक्शन और देख लेती हूँ, जस्ट प्लीज गाइड करें। द हेरोफैंट, देखिए द हेरोफैंट की एनर्जी यहाँ भी आई है, मैरिज से रिलेटेड ये काफी सोच रहे हैं, या आप हस्बैंड वाइफ हो तो इसके बारे में सोचें कि मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। अगर आप अनमैरिड हो, सिंगल हो, जो भी हो डियर, अगर आपको उनसे शादी नहीं हुई है, मैरिज नहीं हुई है, तो हर हाल में मैरिज से रिलेटेड कुछ डिसीजन अब लेना ये चाहते हैं, क्योंकि इनको अब पता चल रहा है कि उनके लिए आप कितना मायने रखते हो उनके लाइफ में, ठीक है। तो मैरिज से रिलेटेड डिसीजन लेने वाले हैं, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और आपकी हस्बैंड वाइफ की एनर्जी है, तो ये एक नई शुरुआत चाह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ डियर। तो आपके पार्टनर हर हाल में आपसे मैरिज करना चाहते हैं। जस्टिस, बैलेंस आ रहा है डियर, जस्टिस होने वाला है डियर, बहुत व्यूअर्स आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है, आपका उन्होंने दिल दुखाया है, तो हैंडमैन की एनर्जी से ये निकल रहे हैं, दुख और परेशानियों से निकल रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको दुआओं में मांग रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में, और आपके पार्टनर एक्शन ले रहे हैं, आपके तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। द चैरियट की एनर्जी आ गई, डेथ की एनर्जी आ गई, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक अवेकनिंग, एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, ठीक है। आ रहे द फूल की एनर्जी यहाँ भी आई है डियर, ठीक है, द फूल की एनर्जी यहाँ भी आई है और द फूल की एनर्जी यहाँ भी आई है।
तो आपके पार्टनर आ रहे हैं, आपके तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे स्ट्रांग नंबर्स जो मिले हैं डियर, सारे साइन यहाँ पे मैं बता देती हूँ, नीचे भी साइन बता देती हूँ, ठीक है। एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, सारे साइन है, लेकिन आपके पर्सन आ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपसे मिलने को, बात करने को, मुलाकात करने को। तो एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है डियर आप सबके लिए। जो इम्पोर्टेंट नंबर है यहाँ पे फाइव भी आया है डियर, फाइव नंबर इम्पोर्टेंट है, फोर और सिक्स नंबर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। फाइव नंबर, फोर नंबर, सिक्स नंबर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके पार्टनर का एक्शन होगा, मिनट, घंटे, सेकेंड और दिन भी हो सकते हैं, ठीक है। दिन भी होंगे, सेकंड भी होंगे, मिनट भी होंगे, क्योंकि जिस तरह की इनकी बेताबी और बेचैनी है, आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। तो ये है आज की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगे डियर तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपके पार्टनर दुआओं में आपको मांग रहे हैं और आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।